अगर किसी ने कंगन अशूरा के फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उसको पहले देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आ जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कंगन असुरा सेकंड सीजन के बारे में। और इस सीजन में बिल्कुल पूरी तरीके से फाइट ही फाइट दिखाई गई है। मैंने आपको फर्स्ट सीजन के बारे में अपनी पहली वाली वीडियो में बताया था कि उसके अंदर एक टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है लाइफ और डेथ को लेकर। सभी के सभी जो फाइट लोग हैं अपने फाइटर्स को लेकर आते हैं और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा, जिस भी व्यक्ति का फाइटर जो इस टूर्नामेंट को जीत जाएगा, उस व्यक्ति को इस फाइट करने वाली कंपनी का मतलब उसके चेयरमैन बना दिया जाएगा। एक तरीके से वो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा। और कंगन असुरा के सीजन फर्स्ट वाली वीडियो के अंदर जब मैंने रिव्यू किया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक एनिमे कैरेक्टर जो है तोकिता, उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसकी एक बैक स्टोरी दिखाई गई है और इसमें भी उसकी स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया गया है। सेकेंड सीजन पूरा का पूरा फाइट से भरा हुआ है। इसका एक सिंगल एपिसोड आप लोगों को किसी भी स्टोरी के बारे में आपको बताते हुए नहीं मिलेगा। और इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो पूरी तरीके से भर भर के दी गई है, जैसे फर्स्ट सीजन में दी गई थी। और इसके अंदर भी 12 एपिसोड है जैसे फर्स्ट सीजन के अंदर थे। देखो, ये मुझे पहले से पता था जब इसका सेकंड सीजन मैंने स्टार्ट किया था कि इसका सेकंड सीजन के अंदर ये जो सीरीज है वो खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर जो है हमें फर्स्ट सीजन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, उनकी स्टोरी हमें बताई गई थी, तो उनकी जो फाइट होनी थी, क्योंकि मुझे पता है कि यार एक एपिसोड के अंदर उन दो जो दो स्पेशल कैरेक्टर हैं या जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हमें दिखाए गए थे, तो उनकी एक एपिसोड के अंदर तो फाइट वैसे दिखा नहीं सकते, उसको तो टाइम लगता है। 2 से 3 एपिसोड के अंदर वो खींचने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले से ही जानता था कि यार ये सेकेंड सीजन के अंदर तो शायद ही खत्म होने वाली है। अब इसका थर्ड सीजन आने वाला है, वो अब उसके बारे में बुरी खबर यह है कि वो ये नहीं पता कि वो कब आने वाला है। और एज यूजुअल इसका सेकंड सीजन, जिसकी एनिमेशन फर्स्ट सीजन की तरीके से कमाल की रही, और एक एनिमे कैरेक्टर जो मैंने कहा था आपको फर्स्ट सीजन में योशिमिता नाम से जो था, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था फर्स्ट सीजन में, और इस सीजन में कहूंगा कि यार उसको कम दिखाकर एक रहम किया है मेरे ऊपर। बट अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको डेवलप करके इस एनिमे को हमारे सामने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। अभी एक फाइट जो मैंने तोकिता की इसके अंदर दिखाई गई, अब देखो इसका फर्स्ट राउंड तो खत्म हो चुका है, इस मतलब कि फर्स्ट सीजन जो था उसके अंदर फर्स्ट राउंड तो स्टार्ट हो गया था, और सेकंड सीजन में आते आते करीबन हाफ के नजदीक तो फर्स्ट राउंड खत्म हो जाता है, इसका सेकंड राउंड स्टार्ट होता है फाइट का। तो तोकिता की दोबारा से फाइट दिखाई गई थी, तो इसमें जो तोकिता की फाइट दिखाई गई थी, एक रेनिन नाम से एक जो एक करेक्टर था जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाया गया था, उसने मतलब जो उसके फर्स्ट राउंड में जो उसकी फाइट दिखाई थी वो कमाल की थी। मुझे लगा कि यार इन दोनों की जो फाइट होगी वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की होगी, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इन दोनों की फाइट देखने के लिए। लेकिन जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी इन दोनों के फाइट को देखने की, वो उतनी यार खरी नहीं उतर पाई। बिल्कुल भी कहूंगा कि यार नहीं यार, तुम मजा नहीं आया कि तुम्हें और ज्यादा इसको और इंटेंसिफाई करना चाहिए था, और ज्यादा भयानक दिखाना चाहिए था। पर इस सीजन में सबसे ज्यादा गंदी चीज मुझे ये लगी कि यार ऐसे कुछ एनिमे कैरेक्टर थे जिनकी जो फाइट इसमें दिखाई गई थी, इनके हर एक की फाइट दिखा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि यार जो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि हमें उनकी फाइट दिखाई जाए। आने वाले टाइम में हमें पता है कि वो हार जाएंगे, इनको बस क्यों ना उनको स्किप कर दिया जाता, जिस जो अच्छा होता कि हमें और ज़्यादा अच्छी अच्छी फाइट देखने को मिल सकती थी। बट यार एक तरीके से जानबूझकर वो चीज़ें घुसेड़ी गई हैं, इसको लंबा किया गया है जिनकी जरूरत भी नहीं थी। तो अब इसके थर्ड सीजन का इंतजार है। देखो यार इसका थर्ड सीजन कब आएगा, इसकी तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जब मैंने इसको गूगल किया तो मुझे नहीं पता चला कि हाँ सेकेंड थर्ड सीजन का कब आने वाला है। आई होप सो जल्दी आए। मेरी तरफ से कंगन असुरा के सेकंड सीजन को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 सर। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर जो जो इन्होंने कैरेक्टर जो इरिटेटिंग कैरेक्टर था वो हटा दिया, उसको कम बोलने का मौका दिया, जो सच में यार रिलीफ मिला मुझे उसको ना देखकर। और अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो रिव्यू आपके सामने, आप अपनी बुद्धि का यूज कर सकते हैं, आपको देखनी है तो देख सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि यार नेटफ्लिक्स पे उतने अच्छे एनिमे नहीं देखने को मिलते जितने आपको दूसरे अदर स्टूडियो के देखने को मिल जाएंगे। बाकी काम चल ही रहा है, आने वाले टाइम में नेटफ्लिक्स के और एनिमे देख लूंगा, अगर वो अच्छे लगेंगे तो वो आप लोगों को रिकमेंडेड कर दूंगा मैं। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।